लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जन सुनवाई केंद्र खोला गया है, जिसका प्रभारी सेवानिवृत्त अपर नगर आयुक्त मोतीलाल सिंह को बनाया गया है। इनके सहयोगी साथी मंदिर के ही कर्मचारी विनय कुमार गौतम, दिव्य कुमार सिंह और आनंद गुप्ता होंगे। गोरखनाथ मंदिर के इस जन सुनवाई केंद्र में कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक जा सकता है और अपनी समस्याओं का समाधान करा सकता है। इस जन सुनवाई केंद्र में जिला प्रशासन और विद्युत विभाग के भी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्र के प्रभारी मोतीलाल सिंह ने बताया। हमने खाद भी डाला और जैसे किसी हमारे खाद भी डालने में और थोड़ा प्रचार करें वो करते जाए अपना बताते जाए। और दूसरी बात यह है, एक न्यायालय में दाखिल करके बंटवारा का मुकदमा मांगी जा रही है कि प्रति आख्या दें और कुछ भी तत्काल निस्तारण करा दें, इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और संबंधित विशेष जरूरी है तो तुरंत आवश्यक है तो संबंधित अधिकारी को दूरभाष से बताया भी जा रहा है कि तुरंत कार्रवाई करके उसी का आकलन करके प्रकरण का निस्तारण करें। शिकायत लेकर बाद में भी आते रहते हैं, उसका 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ और इसके बाद भी शिकायत अगर आते शिकायत रखी है दूसरे दिन फिर चेकअप किया जाता है, उसका निस्तारण किया जाता है। अभी तक किस तरह के मामले ज़्यादा आए? सबसे ज़्यादा संबंधी प्रकरण जो है भू विवाद से है, इसके अलावा सेकंड जो पुलिस विभाग संबंधित है आपसी रंजिश का प्रकरण है, मारपीट का प्रकरण है और पारिवारिक वैमनस्यता ज़्यादा आती है और उस प्रकरण को निपटाने की कोशिश की जा रही है।